Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter we are doing? We are doing chapter number 4. And name of chapter number 4 is The Food We Eat. So students, today we are going to write 5 good eating habits. So let's start. First is, wash your hands before and after your meals. ये क्या बोल रहा है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे सारे जर्म्स मर जाते हैं. सो वी शुड ऑलवेज wash our hands before and after our meals. Wash your fruits and vegetables before eating. Second point kya hai? कि हमें अपने जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम खाने वाले होते हैं उन्हें हमेशा वॉश करना चाहिए. अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं तो पहले हम उसे क्या करेंगे, हम उसे वॉश करेंगे. आफ्टर दैट ओनली वी विल ईट दैट फ्रूट. एंड सेम विथ वेजिटेबल्स ऑल्सो. अगर मम्मा कोई वेजिटेबल बना रही हैं घर पर तो मम्मा क्या करती हैं, पहले उन सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करती हैं, उसके बाद ही मम्मा क्या करती हैं, सब्जी बनाती हैं. सो स्टूडेंट्स, वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग. उससे क्या होगा, उससे जितने भी जर्म्स हैं फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में वो सारे हट जाते हैं. Okay, so our third point is, do not eat uncovered food. Matlab, what is the meaning of uncovered? Meaning of uncovered is aisa khana jisko humne cover nahi kiya hua. Uncovered food, aisa khana jo dhaka hua नहीं है, ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए. ऐसा खाना हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन पर क्या आकर बैठती हैं, मक्खियाँ आकर बैठती हैं. और इन ऐसा खाना अगर आप खाओगे तो क्या होगा, आप सभी बच्चे बीमार पड़ जाओगे. इसलिए हमें कभी भी अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए. और जो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जितनी भी मक्खियाँ होती हैं वो कहाँ पर जाकर बैठती हैं, गंदगी पर जाकर बैठती हैं. जैसे डस्टबिन में बैठी हैं अभी, अब ये यहाँ से उड़कर अगर आपकी वेजिटेबल्स के ऊपर आकर बैठ रही हैं, या फिर फ्रूट्स के ऊपर आकर बैठ रही हैं, या फिर और कोई खाना है जिस पर आकर बैठ रही, तो वो भी गंदा होगा. और अगर आप उस खाने को खाओगे तो आप भी बीमार पड़ जाओगे. Fourth, avoid eating street food. जो भी स्ट्रीट पर फूड होता है उसे हमें खाना नहीं चाहिए. क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो ओपन में बनाते हैं, वहाँ पर जितना भी डस्ट होता है और
जितने भी मक्खियाँ होती हैं वो सारी आकर बैठती हैं, सारा डस्ट उसमें आके उड़ के उसमें आकर आ जाता है जो भी हम बनाते हैं वो लोग। और जो बनाने वाले होते हैं उन आपको पता है कि उन्होंने अपने हैंड्स वॉश किए थे या नहीं किए थे? घर में मम्मा बनाती हैं तो मम्मा तो बार बार अपने हैंड्स को वॉश करती हैं, बहुत अच्छे से बनाती हैं। बट जो बाहर से आप खाते हो, क्या वो लोग इतने अच्छे से बनाते हैं? क्या वो इतनी सफाई से खाना बनाते हैं? नो, इसलिए हमें स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए, हमें स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी अनकवर्ड होता है एक तो। और क्या होता है, स्ट्रीट फूड जो आप खाओगे उसके बाद फिर आपकी क्या हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए यू शुड अवॉइड स्ट्रीट फूड। फिफ्थ, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड। मतलब आपको कैसा खाना खाना चाहिए जो प्रॉपरली कुक किया गया हो, मतलब अच्छे से जो खाना पका हुआ हो। अगर आपको हम ऐसा खाना खाने के लिए दे दें जिसमें आलू कच्चे हैं तो क्या आप खा पाओगे? नो, नहीं खा पाओगे। और क्या होता है, कच्ची चीज़ें अगर आप खाओगे तो आपको टेस्ट भी नहीं आएगा, आप पेट भर के खाओगे भी नहीं, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब होगी। इसलिए आपको हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड फूड। इसलिए मम्मा क्या करती हैं, जब खाना बनाती हैं तो उसको अच्छे से पकाकर आपको देती हैं ताकि आप अपना जो टमी है वो फुल करके खाओ। ओके, आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल ओनली राइट 5 गुड ईटिंग हैबिट्स, बट मैं एक एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, वो क्या है, वो है अवॉइड जंक फूड। आप सभी को पता है जंक फूड क्या होता है, जंक फूड खाने से क्या होता है, आपको बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, आप मोटे हो जाओगे। आपको पता है जंक फूड खाने के कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितने डीमेरिट्स होते हैं? जंक फूड हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जंक फूड खाने में होता तो बहुत टेस्टी है, मन करता है कि एक बर्गर खा लिया है तो एक बर्गर और खा लूँ या थोड़ा सा पिज्ज़ा और खा लूँ, बट क्या वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है? नो, आपकी बॉडी के लिए जंक फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे आप क्या हो सकते हो, फैट हो जाओगे। और फिर क्या आप अच्छे से खेल पाओगे, क्या आप रनिंग कर पाओगे? नो, और जंक फूड खाने से बीमार भी बहुत जल्दी पड़ते हैं। इसलिए हमें क्या खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। So students, now let's discuss that how you are going to do this work in your notebook. So first of all, you will write date on the left side of your notebook. After writing date, you will write classwork on the right side of your notebook. And then you will write Monday. And what do we call Monday in Hindi? Somvar. Very good. After writing it, in the first line, you will write chapter number 4. And after writing chapter number 4, you will write name of this chapter. The food we eat. After that, you will write question, write 5 good eating habits. First, wash your hands before and after your meals. Wash your fruits and vegetables. Third, do not eat uncovered food. Fourth, avoid eating street food.
Fifth, eat properly cooked food. And as I have told you earlier also कि मैंने आपको कितने करवाए हैं अभी, Six, avoid eating junk food. Yes, I know students की question में 5 पूछे हैं, but मैम ने आपको 6 बता दिए. और अगर आपको कोई और भी पता है तो you can write that also. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.